नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल डॉलर है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। गुड मॉर्निंग, आज के वीडियो से हम अपनी स्नैपडील वेब सर्विसेज बनाना स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली वेब सर्विसेज का मतलब होता है एपीआई, और एपीआई जो होता है वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। सो यदि आप अपना फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बना चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्नैपडील का पूरा फ्रंट एंड एप्लीकेशन आप डिजाइन कर चुके हैं, सारे पेजेस आपस में कनेक्ट कर चुके हैं, तो आप डेफिनेटली अगला स्टेप आपके पास बचता है कि आपको वेब सर्विसेज बनाने पर आपको काम स्टार्ट करना है। सो आज का वीडियो हमारा वेब सर्विसेज का फर्स्ट वीडियो है, तो आज से हम अपनी वेब सर्विसेज बनाएंगे। तो सबसे पहला जो है आपको नोड एक्सप्रेस आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो नोड एक्सप्रेस यहाँ पर आप लिखिएगा, गूगल पे जाइएगा और express.js.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, ठीक है। सो यहाँ से आपको एक्सप्रेस जेएस जो है बेसिकली एक वेब सर्वर है, हमारा नोड जेएस का एक वेब सर्वर की तरह ये वर्क करता है। तो जितनी भी आपके पास रिक्वेस्ट आती हैं एपीआईस की, सो अभी हम देखेंगे कि एपीआईस क्या होता है, कैसे रिक्वेस्ट आती है, कैसे डेटा प्रोसेस होता है, तो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इन वीडियोस के माध्यम से। एपीआईस के थ्रू जितना भी डाटा आता है, सो बेसिकली यहाँ पर एक तरफ आपका डेटा होगा, और वो डेटा आपका कहाँ पर आता है, एपीआईस पर आता है। एपीआई से वो डेटा आपके डेटाबेस से पूछ के आपको वो वापिस से आपके कहाँ डिलीवर हो जाता है, आपके फ्रंट एंड पर। तो बेसिकली यहाँ पर हम फ्रंट एंड बना चुके हैं ऑलरेडी। अब हमारा जो ये इतना स्टेप का काम है कि डेटा को हैंडल करना, एपीआईज बनाना, डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करना, ये सारा काम इन सीरीज में हम कवर करेंगे। सो ऑलरेडी आप फ्रंट एंड बना चुके हैं, आप स्नैपडील का आपने लेआउट्स आप बना रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को चालू करने से पहले आप सारे पेजेस बना चुके हों, डिजाइन कर चुके हों, और आपस में आप उन सभी पेजेस को कनेक्ट कर चुके हों। सारे पेजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपने रिएक्ट राउटर डॉम डेफिनेटली यूज किया होगा, एंड डेफिनेटली आपने लिंक टैग को यूज किया होगा। तो आज का वीडियो जो है हमारा वेब सर्विसेज के ऊपर है। सो वेब सर्विसेज को हम एपीआईज भी कहते हैं। तो कई बार आपके जो क्लाइंट्स हैं या आपके कंपनी के बॉस, वो आपको कहते हैं कि आप वेब सर्विसेज बनाइए या आप एपीआईज बनाइए। सो कहने का ये मतलब है वो आपको एपीआई बनाने के लिए कह रहे हैं, और जितना भी ये काम होता है ये बैकएंड का होता है। सो यहाँ पर मैं यहाँ से बैकएंड मेंशन कर देता हूँ। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड, ठीक है। तो फ्रंट एंड में तो आपने रिएक्ट यूज किया हुआ है, और बैक एंड में आप क्या क्या यूज करेंगे तो डेफिनेटली वो टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पर बतानी पड़ेगी। सबसे पहले तो हम बैक एंड में क्या यूज करेंगे, नोड जेएस यूज करेंगे। दूसरा जो है हम एक्सप्रेस जेएस यूज करेंगे, जो कि हमारा वेब सर्वर की तरह यहाँ पर वर्क करेगा, ठीक है। और लास्ट में जो है हमें मोंगो डीबी यूज करना पड़ेगा, जो कि हमारा डेटाबेस सर्वर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया डेटाबेस। सो अब जो है ये पूरी सीरीज हमारा किसके ऊपर बनने जा रही है, बैकएंड के ऊपर। और बैकएंड के ऊपर जो है हम नोड जेएस यूज करेंगे, एक्सप्रेस जेएस यूज करेंगे, एंड मोंगो डीबी यूज करेंगे। सो डेफिनेटली हमें सबसे पहला काम ये करना है, एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा और आपको नोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप अपना एक प्रोजेक्ट डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर मैं गया और मैं डी ड्राइव में जाता हूँ, ऑलरेडी देखिए स्नैपडील नाम का एक मैंने फोल्डर बना रखा है, और यहीं पर आप राइट क्लिक करके गिट बैश हियर कीजिए, और यहाँ पर आप चाहें तो एक फोल्डर बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक फोल्डर बनाया MKDIR, MKDIR का मतलब हो गया मेक डायरेक्टरी, और यहाँ से मैंने लिखा स्नैपडील डैश, इसको मैं कर सकता हूँ बैकएंड, स्नैपडील डैश बैकएंड किया। अब यहाँ से मैं स्नैपडील, यहाँ से मैं कर सकता हूँ सीडी स्पेस स्नैपडील बैकएंड। अब यहाँ पर देखिए मैं करंटली स्नैपडील बैकएंड फोल्डर में आ गया हूँ, और ये फोल्डर मेरा जो होगा वो बैकएंड का कोड कंटेन करेगा। सबसे पहला काम आपको करना है कि आप इसको वीएस कोड में आप स्टार्ट करें। सो ऑलरेडी अगर मेरा वीएस कोड में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो मैं इसको बंद कर दूंगा, और एक ही वीएस कोड में आपको रन करना है। सो यहाँ पर जो है आपने वीएस कोड चालू किया, और देखिए आपके पास अभी पूरा कंप्लीट ब्लैंक प्रोजेक्ट है। आपको टर्मिनल स्टार्ट करना है, और सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें आपको चेक करनी है। क्या आपके पास नोड अवेलेबल है, तो उसको कमांड में लिख देता हूँ, नोड डैश वी कमांड से आपको चेक करना है। एनपीएम आपके पास कौन सा वर्जन अवेलेबल है,
ठीक है। सो ये आपको चेक करना है। सो मैं सबसे पहले चेक करूंगा नोड वर्जन मेरा कौन सा इंस्टॉल्ड है। तो अभी के केस में मेरा 15.12.0 जो है बेसिकली वर्जन इंस्टॉल्ड है। एनपीएम का मेरा कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है मैं आपको बता रहा हूँ। और तो एनपीएम का मेरा जो वर्जन इंस्टॉल्ड है वो 7.9.0 है। सो बेसिकली मेरा नोड तो इंस्टॉल्ड है। अब आपको जो है एक्सप्रेस जो है वेब सर्वर आपको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आपको जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। गूगल पे जाके सिर्फ नोड एक्सप्रेस लिख देना, वो पहला लिंक जो आएगा वो आपका एक्सप्रेस जेएस का आएगा। एक्सप्रेस जेएस में जाके आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप देख सकते हैं। एक्सप्रेस जेएस का करंट वर्जन अभी जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट 26 जुलाई 2021 है, आज के दिन एक्सप्रेस का 4.17.1 है। मगर ये वीडियो आप फ्यूचर में आप देख रहे होंगे तो डेफिनेटली ये वर्जन चेंज हो जाएगा। इसके चेंज होने से हमारे इस पूरे ट्यूटोरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका जो वर्जन है आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो यहाँ पर इंस्टॉल करने की कमांड दी हुई है, ये कमांड को मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको जब भी एक्सप्रेस जेएस को इंस्टॉल करना है तो आप npm install express dash dash सेव कर सकते हैं। इस कमांड को आपने कॉपी किया और जो आपका ब्लैंक प्रोजेक्ट आपने ओपन किया हुआ है, तो चलिए यहाँ से मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। मैं ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्पेस यूटिलाइज करेंगे। यहाँ से ये इसको बंद किया, कंट्रोल एल प्रेस करिए, टर्मिनल क्लियर हो जाएगा। और npm install express dash dash save आपको लिखना है और इंटर करना है। ये डैश डैश सेव लिखने से होगा क्या, यहाँ पर आपकी एक पैकेज डॉट जेसन फाइल में एंट्री होगी। मगर पैकेज डॉट जेसन फाइल आपने नहीं बना रखी है, तो सबसे पहला काम है आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाना। तो देखिए यहाँ पर npm install express मैंने किया तो पैकेज डॉट जेसन फाइल ऑटोमेटिकली उसने मेरे लिए बना दी। और अगर आपने ये नहीं बना रखी है तो ये फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर गया और डी ड्राइव पर आप जाइए और स्नैपडील बैकएंड वाले फोल्डर में जाइए। वापस से मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने डिलीट कर दिया आपके सामने। और यहाँ पर अब सबसे पहला काम होता है पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाना। सो आप इसको करेंगे npm init करेंगे और उसके बाद आप अपनी पैकेज डॉट जेसन फाइल बनाइए। आपसे पैकेज नेम पूछ रहा है तो यहाँ से आप पैकेज नेम यही दे सकते हैं। वर्जन कौन सा है, 1.0.0 यही वर्जन है। डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं एंट्री पॉइंट आपकी कौन सी है। तो एंट्री पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जब इस वेब सर्वर को आप लॉन्च करेंगे तो कौन सी मेन फाइल है जिसके लिए हमें चेक करना है। सो डेफिनेटली index.js है। टेस्ट कमांड, गिट रिपोजिटरी, कीवर्ड्स, ऑथर ओके लैब्स हैं और यहाँ से लाइसेंस, और ये सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आप यस पे क्लिक करें। तो npm init कमांड से होगा ये कि आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल जो है वो आपकी बन जाएगी। और यहाँ पर जाके देन आपको जो है आपको क्या करना है, npm install express dash dash save लिखना है। एक बार फिर से मैं कमांड चेक कर लेता हूँ। ये देखिए npm install express dash dash save आपने किया एंड देन इंटर किया। अब आप देखिए कि एक्सप्रेस सर्वर वापस से फिर से इंस्टॉल हो जाएगा, मगर अब आपके पास पैकेज डॉट जेसन पहले से पड़ी हुई थी, अब इसमें जाके वो डिपेंडेंसी वाले टैब में वो इंजेक्ट कर देगा। और इससे पहले जो हम कर रहे थे तो हमारे पैकेज डॉट जेसन में सिर्फ ये एंट्री हुई थी, बाकी की एडिशनल एंट्रीज हमारे पास नहीं थी। तो सबसे बेस्ट ये है कि पहले आपको क्या करना है, npm init करके आप अपनी पैकेज डॉट जेसन में सारी इंफॉर्मेशन आप फीड कर लें, उसके बाद आप अपने एक्सप्रेस सर्वर को आप इंस्टॉल करें। अब आपको जो है एक्सप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप देख सकते हैं इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। इसका डॉक्यूमेंटेशन, सारा API डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका गेट स्टार्टेड वाला है। सो गेट स्टार्टेड में देखिए यहाँ पर npm init किया, फिर एंट्री पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ, npm इंस्टॉल किया और हेलो वर्ल्ड यहाँ पर आ रहा है। सो इस तरीके से आपको गेट स्टार्टेड करना है। सो यहाँ पर हम देखते हैं। सो यहाँ से देखिए आपको सबसे पहली फाइल आपको बनानी पड़ेगी जिसका नाम क्या होगा, index.js। और ये फाइल ही क्यों बना रहे हैं, क्योंकि package.json में जब आप फर्स्ट टाइम रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर रहे थे तब ही आपने बता दिया था कि मेन फाइल कौन सी होगी, index.js। अगर आपने यहाँ नाम कुछ और दे रखा होगा तो उसी नाम से आपको यहाँ पर रूट लेवल पर एक फाइल बनानी पड़ेगी। सो index.js फाइल में जाके सबसे पहला काम आपको ये करना है, console.log। console.log से हमारे पास टेस्टिंग होती है और मैंने बोल दिया यहाँ पर टेस्टिंग में मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, इट्स वर्किंग, ठीक है। और यहाँ पर जाके आप इसको जो है दो तरीके से रन कर सकते हो, यहाँ से आप नोड
और इंडेक्स डॉट जेएस से भी रन कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इट्स वर्किंग, या फिर आप npm स्टार्ट कमांड से भी आप लिख सकते हैं। यदि आप npm स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट स्क्रिप्ट को रन करेगा। सो देखिए अभी मैं अगर npm स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल एक एरर आ जाएगा, और ये एरर बोल रहा है कि स्टार्ट स्क्रिप्ट आपने अभी तक नहीं लिखी है। ठीक है, npm स्टार्ट करने पर एरर आ गया, मगर नोड स्पेस फाइल का नाम लिखने से एरर नहीं आया है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें क्या करना पड़ता है, स्टार्ट स्क्रिप्ट हमें लिखनी पड़ती है। तो स्टार्ट स्क्रिप्ट हम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको जाना है अपने पैकेज डॉट जेसन फाइल में, और आपको पैकेज डॉट जेसन फाइल को गौर से देखना है। आपको एक स्क्रिप्ट सेक्शन दिखाई देगा, और उस स्क्रिप्ट सेक्शन में आप देखिए ऑलरेडी जो है आपके टेस्ट सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहीं पर जाके जो है मैं स्टार्ट लिखूंगा और कोलन लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है नोड स्पेस आपकी फाइल का नाम। तो जो कमांड आपने वहां एग्जीक्यूट करी थी फर्स्ट टाइम, वो करी थी करंट फोल्डर के अंदर इंडेक्स डॉट जेएस आपने लिखी। सो देखते हैं यहां से हमारा क्या npm स्टार्ट करने से, अच्छा इसको रन करने से पहले पैकेज डॉट जेसन फाइल को आपको सेव करना है, एंड देन आप npm स्टार्ट करिएगा। अब npm स्टार्ट करने से एरर नहीं आएगा क्योंकि स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर हमने स्टार्ट टैब को ऐड कर दिया है। जैसे ही यहां पर मैं npm स्टार्ट किया, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, इट्स वर्किंग। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि इसने जो है स्क्रिप्ट रन करके एग्जिट कर दिया। ये देखिए वापस से मेरा फोल्डर आ गया। मगर जब भी आप वेब सर्विसेज बनाते हैं, वेब सर्विसेज स्क्रिप्ट नेवर टर्मिनेट। ठीक है, तो एक पॉइंट में यहां पर आपको नोट डाउन करके आपको बता रहा हूं कि वेब सर्वर की स्क्रिप्ट आप जब भी चालू करते हैं वो कभी बंद नहीं होनी चाहिए। अभी के केस में क्या हो रहा है, जैसे ही मैंने npm स्टार्ट किया तो मेरी नोड सर्वर की स्क्रिप्ट चालू हुई और तुरंत टर्मिनेट होके मैं बाहर आ गया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब भी आप कोई वेब सर्विसेज बना रहे हैं तो आपकी स्क्रिप्ट ऑलवेज रनिंग होनी चाहिए। सो यहां पर दूसरा पॉइंट में उसी को मैं लिख सकता हूं, क्या वेब सर्विसेज स्क्रिप्ट ऑलवेज रनिंग। ठीक है, सो वेब सर्विसेज की स्क्रिप्ट हमेशा चालू रहनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा कि हमारी स्क्रिप्ट हमेशा के लिए चलती रहे। मैं जैसे ही npm स्टार्ट करूं तो हमेशा के लिए वो चालू रहनी चाहिए, वो बंद कभी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एक पैकेज अवेलेबल है जिसे हम नोडमॉन कहते हैं। ठीक है, आप गूगल पे जाके नोडमॉन लिखिएगा और npm js की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके नोडमॉन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। सो नोडमॉन क्या है, नोडमॉन एक नोड js की एक यूटिलिटी है जो कि नोड js की स्क्रिप्ट को हमेशा चालू रखती है बेसिकली। सो नोडमॉन हमें कहाँ यूज में आना है, जब आप वेब सर्विसेज बनाओगे तब आपको नोडमॉन आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। सो नोडमॉन को इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड है, npm इंस्टॉल और नोडमॉन। सो यहाँ पर मैं गया और इस नोडमॉन को मैं अब इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। सो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, npm i फॉर इंस्टॉल, और यहां पर मैंने क्या लिखा, नोडमॉन, और मैं यहां पर इंटर करूंगा। यहां पर आप डैश डैश सेव लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सो यहां पर मैंने नोडमॉन इंस्टॉल किया और देखिए यहां पर नोडमॉन जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए। और यहां पर जो है यहां पर जो है नोडमोन आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है, और आई थिंक नोडमोन को हमने लोकली इंस्टॉल किया है, तो डॉक्स के हिसाब से चलना है। कभी भी आपको अपने मन से कुछ भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं करनी, आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें और डॉक्यूमेंटेशन में जैसा दिया गया है वैसा आपको काम करना है। तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा है और ये बोल रहा है कि आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है नोडमॉन को। सो ग्लोबली इंस्टॉल करने का ये मतलब हो गया कि आप इसको डी ड्राइव से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, ई ड्राइव से भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, और जितनी भी ड्राइव है आप किसी भी ड्राइव पे कहीं से भी जाके नोडमॉन को आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आपको ये कमांड कॉपी करनी है, npm इंस्टॉल डैश जी, और यहां से नोडमॉन को आपको किस प्रकार से इंस्टॉल करना है, आपको ग्लोबल इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। सो यहां से एक बार फिर से मैं नोडमॉन को ग्लोबली इंस्टॉल करने जा रहा हूं और ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है। ये नोडमॉन इंस्टॉल हो गया है। अब यहां पर आपको कमांड लिखनी है नोडमॉन
नोटमोन आपने लिखा और आप अपनी फाइल का नाम लिखिए index.js और यहां पर कुछ एरर आ रही है। तो यदि आप नोटमोन और फाइल का नाम अगर आप हिट कर रहे हैं और आपको इस प्रकार से एरर आ रही है तो जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपर की लाइफ में बहुत सारी एरर आएंगी। आप में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उन एरर्स को कैसे ढूंढा जाए और कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को मैंने कॉपी कर लिया और मैंने गूगल पे जाके ढूंढा और ये देखिए स्टैक ओवरफ्लो की लिंक आ गई और कहीं ना कहीं कुछ परमिशन से रिलेटेड कुछ इशू है। तो ये मैंने ओपन किया नए टैब में और यहाँ पर इस टैब को जब आप रीड करेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को आप रीड करते हैं सॉल्यूशन को, तो ऊपर के सॉल्यूशन पे नहीं जाना है, आपको नीचे के सॉल्यूशंस पे जाना है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको ये सेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी को कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मोड में। तो एज अ एडमिनिस्ट्रेटर मोड आपको कैसे मिलता है, आप विंडो एक्स प्रेस करें, आपके स्पेस के जस्ट पास में एक विंडो की होता है, एक छोटा सा विंडो की होता है, उसको आप प्रेस करें और एक्स प्रेस करें एक्स, और यहां पर आपको जो है विंडो पावर शेल एडमिन आपको दिखाई देगा। इस पावर शेल एडमिन को आपको ओपन करना है और यहां पर आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है सेट एग्जीक्यूट पॉलिसी। ठीक है, सो यहां पर मैं लिख देता हूं, सो सेट एग्जीक्यूट पॉलिसी और यहां पर मैं लिख देता हूं पावर शेल विंडो, पावर शेल विंडो, और जिसको आपको कैसे आपको प्रेस करना है विंडो की प्लस आपको क्या करना है एक्स प्रेस करना है। ठीक है, ये विंडो की प्लस एक्स प्रेस करके पावर शेल विंडो करना है, आपको ये कमांड पावर शेल विंडो में एग्जीक्यूट करवानी है। देखिए यहां पर मैं एग्जीक्यूट करवाने जा रहा हूं तो देखिए क्या लिखा हुआ आ रहा है, सीएमडी सेट पावर टू एट सप्लाई द वैल्यू ऑफ एग्जीक्यूशन पॉलिसी वन यस यस टू ऑल, यहां पर कैपिटल ए प्रेस करें और ये देखिए ये हो गया है। अब जाके मैं यहां पर जो है वापिस से नोडमोन अगर मैंने ये किया तो देखिए मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और यहां पर ये रन हो गया है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मेरी स्क्रिप्ट टर्मिनेट नहीं हुई। जब भी आप वेब सर्विसेज बनाते हैं तो एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, वेब सर्विसेज स्क्रिप्ट नेवर टर्मिनेट, वेब सर्विसेज की स्क्रिप्ट कभी भी टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा चालू रहनी चाहिए। उसके लिए जो है आपको नोडमोन की आवश्यकता पड़ती है और नोडमोन को कैसे इंस्टॉल करना है वो कमांड जो है मैं आपके लिए वापिस से यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये आपने किया, इस स्क्रिप्ट फाइल में गए और यहां से आपको इस तरीके से आपको इंस्टॉल करना है और बस, और यही कमांड आपको इंस्टॉल करनी है, इसके अलावा दूसरे कमांड की आपको जरूरत नहीं है। और आप देखिए यहाँ पर स्क्रिप्ट हो रहा है और यहाँ पर देखिए कि हमारे पास इट्स वर्किंग आ रहा है। अब नोडमोन की सबसे अच्छी खास बात यह है कि नोडमोन आपकी स्क्रिप्ट को हमेशा चालू रख रहा है और आपकी स्क्रिप्ट में कुछ भी चेंजेस होगा तो नोडमोन उसको डिटेक्ट करके रीलॉन्च कर देता है। सो मैंने यहां पर मान लीजिए अगली लाइन मैंने वापस से लिखी console.log और मैंने लिखा कि मैंने लिखा कि टुडे वी आर स्टार्टिंग अवर वेब सर्विसेज ट्यूटोरियल्स। ठीक है, ये मैंने लिखा है, लिख के मैंने जैसे ही सेव किया तो देखिए नोडमोन ने मेरे चेंजेस को डिटेक्ट किया और मेरी एप्लीकेशन को वापस से बंद करके वापस से उसको चालू कर दिया। तो इस प्रकार से जो है आप जब भी वेब सर्विसेज आप बनाएं आपको सबसे पहली चीज तो ये करनी है, आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है, उसके बाद नोडमोन आपको हमेशा रखना पड़ेगा क्योंकि नोडमोन आपकी एप्लीकेशन को हमेशा 24/7 चालू रखता है। जब भी आप कोई चेंजेस करते हैं तो नोडमोन उन चेंजेस को डिटेक्ट करता है और उस आपकी एप्लीकेशन को जो है रीलॉन्च कर देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बट एटलीस्ट थोड़ा याद रख लेना कि मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको आप लाइक करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।